अच्छा भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कस्टम डोमेन कनेक्ट करना बता दूंगा, तो आप में से कोई भी अगर डोमेन बाय कर ले, तो हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने ये डोमेन बाय कर लिया है, GoDaddy.com से ये डोमेन बाय किया है। तो हम ज़रा चलते हैं यहाँ पर और ये माई प्रोडक्ट्स, ठीक है, अयान शेख ये दोस्त हैं। तुम्हारा नाम अयान है? अलियान। अच्छा, तो ये टेक क्लाउड डॉट सी ओ करके इन्होंने एक डोमेन है, वो पहले से इन्होंने बाय किया हुआ है। इस डोमेन के अंदर अब जब जाते हैं तो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गो डैडी से बाय करें, ये किसी भी जगह से बाय किया हुआ डोमेन हो सकता है, ठीक है। डोमेन के जो, इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार, ठीक है, डोमेन जो बेच रहे होते हैं ना लोग, उनको हम कहते हैं रजिस्ट्रार। तो कोई भी रजिस्ट्रार हो, या रजिस्ट्रार के अलावा थर्ड पार्टी रीसेलर्स भी होते हैं डोमेन के ना, रीसेलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो या तो रजिस्ट्रार से या तो रीसेलर से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, जब भी आप डोमेन बाय करते हैं ना, तो आपको क्या मिलता है साथ में, ये मिलता है यार, ये इतना जूम इन क्यों हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं। यहाँ पे एक जगह पे मुझे DNS नज़र आना चाहिए, ये रहा, तो ये मेरा डोमेन है। अच्छा, यहाँ पे ये मैनेज DNS करके ना, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होता है, तो ये मैनेज DNS के अंदर सारी की सारी सेटिंग होती है। अगर मैंने इस कस्टम डोमेन को अपनी किसी भी वेबसाइट के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए मुझे ये DNS की मैनेजमेंट के अंदर जाना होता है। और यहाँ पे आप देखें, ऐड न्यू रिकॉर्ड लिखा हुआ रहा है, इस वक्त इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा क्या होगा कि इसको अगर मैं विजिट करता हूँ इस वक्त जाके, ओ इसमें असल में ये विंडो मशीन है, इस पर शॉर्टकट अलग है, सही है, तो मैं ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू कर देते हैं हम, आलियान हमारे दोस्त हैं, ना सिर्फ उन्होंने डोमेन ख़रीदा है बल्कि अपने कंप्यूटर का टीम व्यूअर का एक्सेस भी मुझे दिया है, जिसपे मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ, सही है। तो जब मैं देखें ये इस वाले डोमेन को विजिट करता हूँ ना इस वक्त, तो इस वाले डोमेन पर ही क्या लगा हुआ आता है, ये GoDaddy का एक पेज यहाँ पर खुल जाता है। इसको हम कहते हैं, इस तरह का जो पेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये पार्किंग का पेज है, सही है। यार ये कोने में क्या चीज़ आ रही है, ये वाली कैंसिल करो, कैसे करोगे, चलो छोड़ो छोड़ो, खैर है खैर है, नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? अच्छा, तो उसको हटा दो, कैसे हटेगा ये, चलो छोड़ो, खैर है, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो उसको। अच्छा, ये जो पेज इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, इसको हम कहते हैं पार्किंग पेज, इसको हम क्या कहते हैं, पार्किंग पेज। जब भी कोई डोमेन रजिस्ट्रार के पास होता है या किसी रीसेलर के पास होता है, और वो कई किसी के पास, मैनी मेरे और आपके जैसे किसी कस्टमर के पास नहीं पहुंचा होता जब तक, तो उसके ऊपर लोग अपनी मार्केटिंग थोड़ी बहुत लगाते हैं। जैसे GoDaddy ने अभी ये क्या कर दिया है, अपनी यहाँ पे मार्केटिंग लगा दी है, इसने बोला भाई वेलकम टू टेक नेट क्लाउड डॉट सी ओ, दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड बट स्टिल बी अवेलेबल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ट्राई अवर डोमेन ब्रोकर सर्विस, ठीक है। और ये मतलब अपने आप को ब्रोकर कह रहे हैं, ठीक है, ब्रोकर और रीसेलर असल में एक ही चीज़ होता है, ये अपने आप को रजिस्ट्रार नहीं कह रहे GoDaddy वाले, ये ब्रोकर कह रहे हैं अपने आप को। ब्रोकर का मतलब ये होता है कि यार एक से लेता है, दूसरे को बेच देता है, बीच में अपना कमीशन रखता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी मार्केटिंग यहाँ पे थोड़ी सी की हुई है। तो पार्किंग पे यहाँ पे जिसके जिसके पास भी डोमेन होता है, वो क्या करता है, अपना उन्होंने एक पार्किंग का पेज बनाया हुआ होता है, वो इसके ऊपर लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, हमने अब क्या करना है, हमारे पास ये वर्सल के डैशबोर्ड के ऊपर एक ये ऐप बनी हुई है, ठीक है। इस ऐप को अगर मैं क्लिक करूं, तो ये वर्सल के ऊपर एक स्टैटिक पेज डिप्लॉय हुआ है, राइट, किस पर, रिएक्ट की ऐप है ये, व्हाट इज हैपनिंग, रिकनेक्ट कर लेता हूं मैं, अच्छा, तो ये वर्सल के इस डैशबोर्ड के ऊपर आ गया मैं। यहाँ पे एक ऐप पहले से बनी हुई है, जिसका URL इस वक्त ये है, ठीक है। आप सब लोगों ने वर्सल के ऊपर ऐप को डिप्लॉय करना सीख लिया है, ठीक है, चाहे वो एक स्टैटिक ऐप हो, सही है, या वो कोई रिएक्ट पे बनी हुई या नेक्स्ट जेएस पे बनी हुई ऐप हो। तो ये हमारे जो दोस्त हैं, इनकी
इन्होंने स्टार्टअप किया है माशाल्लाह, इनकी कंपनी की ये वेबसाइट यहाँ पे इस वक्त लगी हुई है राइट नाउ, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त जो डिप्लॉय हुई हुई है, इसको जो यूआरएल मिला हुआ है, ये वर्सल का यूआरएल मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वर्सल के अलावा हमने कौन कौन सी होस्टिंग ट्राई की हुई है? वर्सल किया हुआ है, नेटलीफाई किया हुआ है, फायरबेस होस्टिंग ट्राई की हुई है हमने, गिटहब पेजेस की होस्टिंग ट्राई की हुई है। तो इन तमाम होस्टिंग की सर्विसेज में ये तमाम कहलाती हैं स्टेटिक होस्टिंग सर्विसेज। तो ये तमाम स्टेटिक होस्टिंग सर्विसेज जो हैं, जब आप इस पर अपनी ऐप को होस्ट करते हैं, चाहे वो रिएक्ट पे हो चाहे प्लेन एचटीएमएल हो, तो वो आपको अपना एक डोमेन दे देती है फ्री में, ठीक है। अगर ये फायरबेस होस्टिंग पे होता तो इसमें वेब डॉट ऐप लगा हुआ होता, अगर ये जो है वो नेटलीफाई पे होता तो नेटलीफाई डॉट ऐप इस तरह कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। गिटहब पेजेस के ऊपर वो गिटहब डॉट आईओ लगा हुआ होता है, तो उस तरह कोई अपना ये ना डोमेन ये दे देते हैं। अच्छा, अब इनमें से कुछ कंपनीज़ आपको ये फ्री में अलाउ कर देती हैं कि आप कस्टम डोमेन भी लगा लें, जैसे कि गिटहब पेजेस आपको फ्री में अलाउ नहीं करता है कि आप उसके ऊपर कस्टम डोमेन लगाएं, ठीक है। फायरबेस होस्टिंग कर देता है, वर्सल कर देता है, नेटलीफाई भी शायद कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, जैसे कि हरिको एक था प्लेटफॉर्म, उस पर भी हम करते थे, वो कस्टम डोमेन फ्री में अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो कस्टम डोमेन लगाना आपको अलाउ कर देते हैं फ्री में। तो जी, ये हमारे दोस्त की वेबसाइट है, इसको हम एक दफ़ा शुरू से आखिर तक देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बनाया हुआ है, और फिर हम क्या करते हैं कि इस बनी हुई वेबसाइट पर जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इसके ऊपर कस्टम डोमेन को अटैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गुड यार, ये चारों हमारे दोस्त आ गए जिनके चारों के नाम आ गए, सही है, इनके बारे में कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई वेबसाइट, नहीं है, आगे भी है। असल में ये इतना ज़्यादा जर्की आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये टीम व्यूअर के थ्रू चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ ये स्मूथ होगा होपफुली, ठीक है, क्योंकि टीम व्यूअर के ऊपर ज़रा वो क्वालिटी वालिटी डाउन कर देते हैं। तो इस वाले को हम कर देते हैं बंद और हम आ जाते हैं वर्सल के डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, वर्सल के डैशबोर्ड के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो है ना कहीं मुझे ये कस्टम डोमेन का एक ऑप्शन बना के दे रहा होगा। ये क्या था, असाइनिंग डोमेन्स, ये रहा कस्टम डोमेन मैनेज, ठीक है। कस्टम डोमेन के अंदर मैं गया, इसने बोला कि भाई साहब आप क्या करें, यहाँ पे जो भी आपका कस्टम डोमेन है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो मेरा जो कस्टम डोमेन है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। मेरा कस्टम डोमेन है technetcloud.co, ठीक है, और इसको करके मैंने ऐड का बटन दबाया। तो जैसे ही मैं ऐड का बटन दबाता हूँ, ये मुझसे पूछता है कि इस कस्टम डोमेन को आप किस अप्रोच के थ्रू ऐड करना चाहेंगे। नंबर वन अप्रोच ये है कि ऐड www.techcloud.com एंड रिडायरेक्ट टू techcloud.co, ठीक है। अच्छा, आप ये बात याद रखें, जैसे कुछ वेबसाइट होती है ना www. करके खुलती है और कुछ खुलती है बगैर www के, डायरेक्ट techcloud. तो असल में ये www के साथ जो होता है ना, ये एक अलग डोमेन होता है, और www के बगैर जो होता है ये एक अलग डोमेन होता है, समझ रहे हैं आप बात ये। अच्छा, आपका जो असल डोमेन होता है ना वो सिर्फ इतना होता है, ये आपका एक्चुअल डोमेन है जो कि आप GoDaddy से आपने बाय किया है। अच्छा, ये जो शुरू में www लगा हुआ है ना, इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक डोमेन मौजूद है तो आप इस पर तो चलो अपनी वेबसाइट लगा दी, लेकिन अगर कोई www. करके लिखेगा ना तो उसके पास वो वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो लिहाजा आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो डोमेन एक ही वेबसाइट पे पॉइंट करवाने होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बोलता हूँ कि सिर्फ एक को करो, मैं कहता हूँ ऐड technetcloud.co, दैट्स इट, सिर्फ इसको करो अभी और कुछ भी नहीं करो। अच्छा, अभी www वाले पे आप देखेंगे www लिखूंगा ना वो वेबसाइट ही नहीं खुलेगी, बोलेगा यार ये क्या चीज़ है ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने ऐड का बटन दबा दिया, मैंने कहा अभी सिर्फ एक को करो जो मैंने बोला है, अभी www वाला हम बाद में देखेंगे। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो आप देखें यहाँ पे ना सिर्फ ये ऐड हुआ हुआ आ गया, बल्कि ये आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे आपको ये एक ए रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। ये ए रिकॉर्ड आपने क्या करना होता है, ये जाके अपने DNS में जहाँ से आपने डोमेन बाय किया हुआ है वहाँ जाके इसको आपने ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ए रिकॉर्ड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस ए रिकॉर्ड को, ये शॉर्टकट जो है ना इसका वो है, मैं बार बार वो कमांड सी दबा रहा हूँ ना तो मसला कर जा रहा है वो। अच्छा, कहाँ गया मेरा DNS मैनेजर, ये है मेरा DNS मैनेजर। मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। ऐड न्यू रिकॉर्ड करते हुए मैं कहता हूँ ए रिकॉर्ड ऐड करना है मुझे, ठीक है। ए रिकॉर्ड यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऐट द रेट का मतलब क्या होता है, ऐट द रेट का मतलब ये होता है कि जो मेरा डोमेन है ना मैं एग्जैक्टली उसी डोमेन पर लगा रहा हूँ। अब जब मैं उसके साथ जैसे एजुकेशन डॉट करके लगाऊंगा ना, अगर जैसे मेरी एक डोमेन है sysborg.com, तो अगर मैं एजुकेशन डॉट करके लगा रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे लिखता एजुकेशन, तो एजुकेशन डॉट पे लगता। लेकिन अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट लगाना चाह रहा हूँ टेकनेट क्लाउड पे, अभी शुरू में कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ।
और ये करके मैं जो वैल्यू वहाँ से मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद है TTL, TTL का मतलब होता है कि कितनी देर में ये प्रोपेगेट हो जाए, ये जो रिकॉर्ड में ऐड कर रहा हूँ ये कितनी देर में प्रोपेगेट हो जाए। तो मैंने कहा कि यार इसको ना 600 सेकंड्स में प्रोपेगेट करो, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। अगर मैं इसको कर दूंगा ना 500 तो ये बोलेगा कि यार 500 जो है ना वो वैलिड नहीं है, सेव का बटन दबाते ही मुझे एरर दे देगा। एरर नहीं दिया, अच्छा 6 खुद ही कर दिया इसने, सही है 600 इसने खुद ही कर दिया। अरे इसमें पहले से कुछ रिकॉर्ड एडेड है यार। अच्छा पहले से रिकॉर्ड जितने भी मौजूद हैं सबको मैंने क्या कर देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है। तो मैं सबसे पहले तो सबको रिमूव मारता हूँ मैं, ठीक है। कुछ इसमें से रिमूव हो सकते हैं, कुछ इसमें से रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। वेल जो रिमूव हो सकते हैं उनको तो मैं रिमूव मार ही दूँ ना। टेकनेट, अच्छा देखो ये जो टेकनेट क्लाउड डॉट सी ओ है ना, इस पर एक सी नेम लगा हुआ है। ये सी नेम का सीन ये होता है कि सी नेम अभी देखते हैं वो क्या होता है। इसको बहरहाल मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, डिलीट रिकॉर्ड। जो पार्किंग का पेज होता है ना असल में वो यहाँ लगा हुआ होता है, ये वो वाला है, पार्किंग का पेज है ये, ठीक है। उसके अलावा देखो एक और सी नेम लगा हुआ है, ये इसको कहाँ भेज रहा है, godaddy.domaincontrol.com पे भेज रहा है। ये मेरा पार्किंग का पेज है, इसको मैं हटाऊंगा तो मेरा वो पार्किंग का पेज वहाँ से रिमूव होगा। मुझे एक्चुअली पहले यही करना चाहिए था, मुझे पार्किंग का पेज हटाना चाहिए था, ठीक है। देखो पार्क करके लिखा हुआ है ये, मैं बल्कि सारे मैं डिलीट मारता हूँ यार, पहले डिलीट मारता हूँ फिर उसके बाद तसल्ली से ऐड करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ वो वाले रह गए जो रिमूव नहीं हो सकते, जो कि NS रिकॉर्ड है, ठीक है, नेम सर्वर रिकॉर्ड है ये इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता। ये असल में क्या चीज़ है, ये जिस रजिस्ट्रार से रजिस्टर है ना तो उसका वो इन्होंने वो लगाया हुआ है कि जी वो किस रजिस्ट्रार से रजिस्टर है, क्योंकि खुद तो ब्रोकर हैं अपने आप को कह रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि मैंने वो डिलीट मार दिए सारे, तो डिलीट मारने की वजह से क्या हो जाएगा, वो पार्किंग का जो पेज था ना वो अब रिमूव हो चुका होगा। अगर मैं जाता हूँ ना technetcloud.co में और यहाँ जाके मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पार्किंग का पेज ख़त्म हो चुका होगा। अब इस पर से अभी भी आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि कैशे हुआ हुआ है। अगर मैं कैशे यहाँ से रिमूव मारूंगा ना फिर उसको पता नहीं लगेगा, एम्प्टी कैशे हार्ड रिलोड, तो ये गायब हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है, गायब हो गया। अच्छा यहाँ पे नो इंटरनेट इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब ये एक मारता है ना ये वाला रिक्वेस्ट, तो होता ये है कि उसको पीछे कोई वो रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, तो उसको लगता है कि कोई जवाब नहीं आया तो शायद इंटरनेट बंद है। हालांकि मैं ABC लिख के यहाँ पे सर्च मारता हूँ तो गूगल पे इंटरनेट मेरा चल रहा है, ठीक है, इंटरनेट मेरा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे नो इंटरनेट क्यों आता है, क्योंकि पार्किंग का पेज लगा हुआ था पीछे रिकॉर्ड में, वो मैंने उड़ा दिया। तो लिहाजा अब जब इस नेम सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है ना तो पीछे से कोई आईपी, कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मिलता है, वो खाली है ये, तो इसलिए यहाँ पे बोल देता है कि भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा अब मैं वापस आता हूँ और ये जो ए रिकॉर्ड था ना, इस ए रिकॉर्ड को मैं दोबारा से क्या करता हूँ, वहाँ पर ऐड करता हूँ। अच्छा यहाँ पर दोबारा से ऐड करने से पहले, अच्छा ये खुद ही से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको दोबारा सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो 600 सेकंड इज़ द मिनिमम TTL। अच्छा वंस क्या करता हूँ मैं, जब रिकॉर्ड यहाँ से ऐड कर देता हूँ तो ये रिकॉर्ड दुनिया के जितने भी DNS सर्वर्स हैं उन सब पे ये रिकॉर्ड पहुँचता है बाकायदा, क्योंकि DNS सर्वर हम जानते हैं कि एक डिक्शनरी होती है, की वैल्यू पेयर होता है, कि हर डोमेन के अगेंस्ट कोई ना कोई IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो मेरे डोमेन के अगेंस्ट जो IP एड्रेस मैं डाल रहा हूँ वो क्या है, वो ये है 7676-2121। अब वो कैसे चेक करता हूँ मैं, उसको चेक करने का एक तरीका होता है, DNS जो सर्वर्स होते हैं ना उन्होंने एक कंट्रोल बना के दिया हुआ है, अच्छा उसको हम क्या कहते हैं, DNS checker.org, सही है, ये DNS checker.org आ गया। अच्छा यहाँ पे जाके मैं किसी भी DNS का जो पब्लिक रिकॉर्ड, DNS क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड होता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, आप sysborg.com पे, ठीक है, चेक करो कि इस वक्त कितने ए रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद हैं, सर्च मारो तो यहाँ पे देखो ये ए रिकॉर्ड आ गया। और ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंदर ये बता रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे भी आए हुए ना, देखो पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड इस वक्त प्रोपेगेटेड है, ठीक है, किसी ने जिसने भी चोरी किया मेरा डोमेन उसका ही हुआ। ये था कि डोमेन एक्सपायर हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने बाय कर लिया, तो जिसका भी है ये उसने ये लगाया हुआ है ए रिकॉर्ड, ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है ये डोमेन। अच्छा इसी तरह मैं क्या करूँगा, जैसे ये टेकनेट क्लाउड है ना .co, इस पे मैं इस वक्त चेक करूंगा कि कितने ए रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो ये कह रहा है कि ए रिकॉर्ड मुझे कोई भी नहीं मिले इस वक्त। जैसे ही मैं GoDaddy पे जाके DNS के अंदर ये रिकॉर्ड ऐड करूंगा तो जब मैं चेक करूंगा तो मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होता है, राइट, ये 48 आवर्स में पूरे पे प्रोपेगेट होता है। और जो TTL है ना वो TTL यही होता है कि कितनी जल्दी, कितनी इमरजेंसी में उसको भेजना है तमाम DNS पे। तो यहाँ पे आके मैं सेव का बटन दबाता हूँ और ये रिकॉर्ड जैसे ही नीचे ऐड होता है ना, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिकॉर्ड ऐड हो गया,
अच्छा एक्चुअली ऐड नहीं हुआ, इसने बोला कि भाई डेटा इज़ इनवैलिड तो मुझे इसको 600 करना होगा जब ही ये ऐड होगा। 600 इज़ द मिनिमम ना, बाई डिफ़ॉल्ट वो 48 आर होता है, तो आप कुछ नहीं सेट करोगे तो 48 आर करके वो चला रहा होता है, ठीक है। तो ये जी ऐड हो गया यहाँ पे, अब क्या होगा ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा जब और जाके मैं सर्च मारूँगा तो देखो एक जगह प्रोपेगेट हुआ है, ठीक है, दो तीन जगह हो गया है। अच्छा अभी मैं आऊँगा वापस वर्सल के ऊपर, कहाँ गया मेरा वर्सल, वर्सल वर्सल ये रहा। यहाँ पे आके ना मुझे ये देखो रिफ्रेश हो रहा है हर थोड़ी देर बाद, अच्छा देखो हो गया रिफ्रेश। तो जैसे ही वो प्रोपेगेशन कंप्लीट होती है ना तो ये क्या हो जाता है, इसको पता लग जाता है कि हो गया जनरेटिंग SSL, सही है, जिसको लेके तुम रो रहे थे ना कहाँ गया वो अभी SSL, खुद देखो जनरेट कर दिया फ्री में इसने। अभी आज हमें पता लगा है कि इलास्टिक बीन स्टैक पे जब इसको हम डिप्लॉय करते हैं ना नॉट जेएस सर्वर को, तो वो SSL नहीं देता, बोलता कस्टम डोमेन लगाओ फिर SSL मिलेगा। तो ये देखो क्या हो गया, टेकनेट क्लाउड इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अभी DNS चेकर पे जाके मैं दोबारा चेक करूंगा ना तो सब जगह ये क्या हो चुका होगा, प्रोपेगेट हो चुका होगा जब भी वहाँ पे कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा अभी भी सब जगहों पे नहीं हुआ है, लिहाजा क्या होगा जिन जगहों पे हो गया ना, जैसे USA में हो गया तो USA की कंट्री से कोई अगर इसको विजिट करेगा तो ये विजिट हो जाएगी वेबसाइट, लेकिन पाकिस्तान से कोई करेगा तो नहीं होगी, पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं इसको हम, देखो अभी नहीं खुल रही है वेबसाइट, जब तक सारी जगहों पे प्रोपेगेट नहीं होगा ना ये वेबसाइट नहीं खुलेगी, सही है। अब वेट करते हैं पाकिस्तान में प्रोपेगेट होने का, वैसे इसका जो एक्चुअल टाइम है ना ये बोलते हैं भाई 48 आवर के बाद ही चेक करना आप, फौरन नहीं होगा, लेकिन हमने 600 सेकंड लगाया है ना, हमने 600 सेकंड लगाया है इसमें, तो थोड़ा ये जल्दी होने के चांसेस हैं इसके। नहीं हाँ VPN के थ्रू हो सकता है, अगर मैं USA का VPN लगा लूँ ना फिर वो जो वेबसाइट विजिट होने लग जाएगी, लेकिन USA में भी तो देखो ना हर जगह नहीं हुआ है, पूरे USA में नहीं हुआ, कुछ जगहों पे हुआ है। हाँ अब जहाँ जहाँ हो गया वहाँ वहाँ ये वेबसाइट चल रही होगी। अभी मैं दोबारा से सर्च मारता हूँ इसको, मैं दोबारा से इस पूरी वेबसाइट को रिविजिट करता हूँ, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता देखो प्रोपेगेट हो रहा है अब, सही है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ ये। मैं आके अगेन इसको क्या करता हूँ, रिविजिट करता हूँ, तो अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ। अच्छा बहरहाल वर्सल को पता लग गया है कि मैंने वो रिकॉर्ड ऐड कर दिया है, वर्सल को अब टेंशन ख़त्म हो गई है वर्सल वालों की, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक मारता हूँ, अच्छा मेरे पास भी खुलने लग गया, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यार यहाँ पे नहीं खुल रहा, दोबारा से अलग से मारा तो खुल गया, सही है ये वेबसाइट मेरे पास खुल गई। चलो भाई TechNetCloud.co खोलो सब लोग, खुल रहा है सबके पास, अच्छा मैंने बोला भाई एम्प्टी कैश है हार्ड रीलोड, सही है लोड हो रहा है, बिल्कुल सही और परफेक्ट लोड हो रहा है। अच्छा अगर मैं अभी यहाँ पे आके बोलूँ कि www.technetcloud.com तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं खोलेगा, क्योंकि जो मेरे DNS रिकॉर्ड में जो कि की वैल्यू पेयर है ना TechNetCloud.co के अगेंस्ट तो एक IP मौजूद है, लेकिन www.technetcloud के आगे कोई IP मौजूद नहीं है, लिहाजा मुझे क्या करना होगा, मुझे वर्सल पे जाके दोबारा www को भी ऐड करना होगा। अच्छा जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, क्या नहीं आ रहा, www वाला खोला है बगैर w वाला, www वाले में अभी नहीं आएगा क्योंकि वो अभी तक हमने लगाया नहीं है, सही है। तो आप अगर कुछ बंदे समझ रहे हैं ना ये बात कि www जो है वो लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, तो आज वो ये चीज़ क्लियर कर लें कि www.technetcloud एक दूसरा डोमेन है और सिर्फ technetcloud.co दूसरा डोमेन है, ये क्लियर हो गई सब लोगों को ये बात। अच्छा इस www की जगह कुछ भी लगा सकते हो आप, education., ठीक है, admin., कुछ भी लगा सकते हो जो आपका दिल करे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो सेम ऐप डिप्लॉय कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि www लिखने से कोई दूसरी वेबसाइट खुले, बगैर w से कोई दूसरी वेबसाइट खुले, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, फ़िलहाल मुझे इसी वेबसाइट को खुलवाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके अब मैं www. लगाऊँगा और
cloud.co लगाऊंगा और ऐड का बटन दबाऊंगा मैं। अब मेरे पास दो अप्रोच है, इसको बहुत गौर से सुनो वरना ये बड़ा मसला होता है बाद में। नंबर एक अप्रोच मेरे पास ये है कि जब कोई बंदा www.technetcloud.co लिखे तो मैं उसको रिडायरेक्ट करा दूं बगैर www वाले पर। नंबर एक अप्रोच ये है, हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत हो, हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो। नंबर दो अप्रोच ये है कि www.technetcloud.co लिखा जाए तो उसी डोमेन पर रहते हुए वेबसाइट खोल दी जाए, ठीक है। तो दोनों करवा सकता हूँ मैं। नंबर एक जो कि रेकमेंडेड ये कह रहा है, रेकमेंडेड में ये क्या कह रहा है कि भाई इसको क्या कर दो, www खोले बंदा तो इसको www हटा के और मेन वेबसाइट पर ले जाओ, ठीक है। नंबर दो इसने बोला कि भाई यूज़ technetcloud.co एंड रिडायरेक्ट टू दिस दिस दिस, ठीक है। तीसरा वाला एड www.co, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों में कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं ये वाला काम करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, ये मुझे देता है सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम क्या होता है कि एक URL के अगेंस्ट एक दूसरा URL होता है, IP नहीं होती। सी नेम रिकॉर्ड देगा मुझे क्योंकि www पे बगैर www वाले पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक URL के अगेंस्ट एक दूसरा URL होता है, एक नेम के अगेंस्ट एक नेम होता है। अगर मैं ये वाला करूँगा लास्ट वाला कि जस्ट www वाले को ऐड कर दो, मुझे कोई और बात नहीं पता, तो ये मुझे ए रिकॉर्ड देगा, सही है। ये मुझे क्या देगा, ए रिकॉर्ड देगा। अच्छा ये वाला रेकमेंडेड है, ए रिकॉर्ड वाला तो हम कर चुके हैं, देख लेते हैं एक दफ़ा हम इसको ऐड करेंगे ना, ए रिकॉर्ड देगा ये, ठीक है। www वाले के अगेंस्ट देखो इसने, अच्छा नहीं यार अभी भी सी नेम ही दिया इसने, अभी भी इसने सी नेम ही दिया। अगर एडिट करके मैं इसको वो बोल दूं, अच्छा एक मिनट इसको मैं डिलीट करके ना वो बोल देता हूँ, सी नेम बोलता हूँ, फिर देखते हैं क्या देता है। ओहो थैंक यू यार, शॉर्टकट सारे इसके वो हुए हैं ना, तो बस मेरा हाथ जो है इस पर उल्टा सीधा चल रहा है। अच्छा अगर मैं रिडायरेक्ट वाला जो रेकमेंडेड है उस पर करूँ तो भी सी नेम देगा, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। ये इन्फोर्स कर रहा है कि भाई तुम सी नेम ही करो, असल में ये क्या कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है, ठीक है। अच्छा वेल तो मैं क्या करूँगा, इसमें जस्ट एक सी नेम दे दूँगा मैं, ठीक है। और सी नेम के ऊपर इन्होंने अंदर एक एक्चुअली वो की हुई है कि ना इन्होंने एक अंदर एक सेटिंग की हुई है कि भाई www पे रखने पे क्या करना है और www हटाने पे क्या करना है, लेकिन मुझे जो है ना ये ऐड करने के लिए वही चीज़ दे रहा है दोनों के ऊपर, सही है, मुझे वो अलग ऑप्शन नहीं दे रहा। वेल अभी मैंने रिडायरेक्ट को सेलेक्ट किया है, तो अभी होना क्या चाहिए, जब मैं ये वाला रिकॉर्ड ऐड कर दूँ तो ये वाला रिकॉर्ड ऐड करने के बाद जब मैं यहाँ पर लिखूँगा आकर www वाला एड्रेस, तो मुझे रिडायरेक्ट करवा देना चाहिए उसको, ठीक है। आ जाओ यार ऐड कर लेते हैं इसको, एड अ न्यू रिकॉर्ड, और मैंने कहा भाई मुझे सी नेम ऐड करना है, सी नेम के अंदर www होगा यहाँ पे, सही है, और उसके बाद यहाँ पे होगा वो वैल्यू जो कि उन्होंने मुझे दी है, एक URL, ठीक है। www इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने URL से पहले www लगाना है और फिर उसके बाद वो करना है, तो उस पर मैं करवा रहा हूँ ये। और TTL पे मैं अगेन क्या करता हूँ, कस्टम लिखता हूँ और 600 सेकंड जो कि मिनिमम TCL है वो लगा के इसको मैं सेव करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करवाऊँगा यहाँ पे, तो ये DNS रिकॉर्ड प्रोपेगेट होना शुरू हो जाएगा। और उस प्रोपेगेशन को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, dnsrecord.org पे जाऊँगा, पहले तो ये चेक करता हूँ कि ये सब जगह प्रोपेगेट हुआ है कि नहीं हुआ, जो पहले वाला था इससे। यार ये बिल्कुल ही हैंग हो गया, ये अभी भी सब जगह प्रोपेगेट नहीं हुआ है, ठीक है। वेल पाकिस्तान में हो गया अभी ये प्रोपेगेट, सही है। अच्छा तो यहाँ पे मैं ना सिर्फ ए रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ बल्कि सी नेम भी चेक कर सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ सी नेम कहाँ कहाँ प्रोपेगेट हुआ है मेरे पास। सी नेम अभी कहीं पे भी प्रोपेगेट नहीं हुआ, सही है। अच्छा लिहाजा मैं वर्सल पे जब जाऊँगा ना तो ये रिफ्रेश हो रहा है हर थोड़ी देर बाद, अरे हो गया सी नेम भी प्रोपेगेट हो गया हमारा, बड़ी जल्दी हो रहा है आज, इतनी जल्दी होता नहीं है, टाइम लगाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं जब चेक करूँगा ना तो एक दो जगह शायद हुआ होगा, जब ही इसको पता लग रहा है, यार एक भी जगह नहीं हुआ। अच्छा ओ यस 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 www है ना यार, www वाला है ना, ये तो अलग डोमेन है www वाला, इसमें आगे होगा, हाँ सब जगह यार, क्या बात है, सब जगह हो गया प्रोपेगेट। तो लिहाजा अब जब मैं खोलूँगा ना ये www वाला तो मुझे वो वेबसाइट दिख जानी चाहिए,
ठीक है, नॉट सिक्योर आ रहा है, लेकिन ये 2 मिनट में सेट हो जाता है, 2 मिनट में ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ये असल में जनरेट कर रहा है ना, अभी SSL जनरेट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, वेल मैं एडवांस पे क्लिक करके उसको प्रोसीड कर सकता हूँ, चला जाएगा ये, सही है, चला गया, हाँ हो गया, SSL भी पूरा हो गया। तो ये क्या हो गया, www.technetcloud.co के ऊपर भी खुलना शुरू हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे, देखो सब डोमेन लगाने की ना कोई लिमिट नहीं होती, आपने technetcloud.co बाय कर लिया, अब आप उसके साथ एजुकेशन पाकिस्तान डॉट लगा दो, जो मर्जी डॉट लगाते रहो। तो हम क्या करते हैं, एक और लगा के देखते हैं, हम लगा के देखते हैं pakistan.technetcloud.com, है ना, या pk. जैसे लिंक्डइन के ऊपर कभी कभी था pk. तो मैं इस पर pk. लगा के देखता हूँ, इस पर कोई लिमिट नहीं है। मैं जाऊँगा वर्सल पे अगेन, अच्छा वर्सल पे नहीं, मैं जाता हूँ दूसरे वाले पे। वर्सल पे कितनी ऐप है भाई तुम्हारी, और भी है ना, दूसरी भी है? अच्छा एक क्लाइंट की है यार, इस पे मेन पे कैसे जाएंगे, प्रोजेक्ट इस पे क्लिक करूँगा। अच्छा अच्छा ये क्लाइंट की है, और ये वाली ये अपनी है ना, चलो इस पे कनेक्ट मारते हैं ना। अच्छा ये लिंक शेयरिंग ऐप है अभी, अच्छा लिंक शेयरिंग ऐप किस तरह की है ये, खोल के देख लेते हैं इसको। अच्छा ये कुछ इस तरह की ऐप है, ठीक है, ये लिंक शेयरिंग की ऐप हमने बनाई थी, और यहाँ पे कुछ URL लिख के बंदा एंटर करता था तो वो सब लोगों को दिख जाता था। ठीक है, इसको जस्ट कंसिडर करें कि ये जस्ट एक रिएक्ट की ऐप है, इस वक्त ये इस डोमेन पे खुलती है, हमने इसके ऊपर क्या लगा देना है पीके नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर क्या था, ये लिंक शेयरिंग था ना, ये एयर डॉट लगाते हैं, एयर डॉट है ना उसका, हम शेयर ओवर द एयर हमने रखा हुआ था, तो इसको हम करते हैं एयर डॉट technetcloud.co, सही है। अच्छा एयर की जगह कुछ भी लगा दो, पीके लगा दो, XYZ जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मैं इसमें जाऊँगा डोमेन में, अबे कहाँ से, हाँ ये रहा साइनिंग डोमेन, साइनिंग डोमेन में कस्टम डोमेन पे मैं गया और मैनेज का बटन दबा दिया। अभी इसके अंदर एक डोमेन है जो कि मुझे किसने दिया हुआ है, वर्सल ने खुद से दिया हुआ है फ्री में। मैंने बोला कि अच्छा मैं अब इस पर technetcloud.co नहीं लगा सकता हूँ, क्यों, कि वो पहले किसी और पे लग चुके हैं, वो इस पे लगाऊंगा एरर आ जाएगा। ठीक है, वो लगाऊंगा मैं, ऐड का बटन दबाऊंगा, मैंने कहा भाई जस्ट इसको ऐड कर दो, ओके दबा दिया मैंने। अब देखो होगा क्या, अब ये बोल रहा है कि ये पहले से लगा हुआ है, इसको कैसे पता लग गया, इसको इसलिए पता लग गया कि भाई ये एक इसी की ऐप है। अच्छा अदरवाइज़ कोई दूसरी अगर ऐप होती, अगर वर्सल नहीं होता, मैं फायर पे होस्टिंग पे चला जाऊँ, वो मुझे ए रिकॉर्ड दे देगा, ए रिकॉर्ड दे देगा मुझे वो, और ए रिकॉर्ड वो कैसा होगा, वो ए रिकॉर्ड ऐसा होगा, बोलेगा कि भाई ए रिकॉर्ड हो, नेम की जगह @ हो, और यहाँ पे एक IP हो। अब मसला ये है कि यहाँ पे तो पहले से एक @ पे लगा हुआ है, जब मैं वो यहाँ ऐड करूँगा ना तो GoDaddy एरर देगा, GoDaddy बोलेगा कि ये वाला ए रिकॉर्ड पहले से है, उसको रिमूव करके ये लगाओ। तो जैसे ही आप उसको रिमूव करेंगे वर्सल से गायब हो जाएगी वो ऐप, वो दूसरे पे चली जाएगी। तो एक जो डोमेन है ना, एक सब डोमेन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही जगह लग सकता है, दो जगह नहीं लग सकता। ठीक है, तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके technetcloud.co नहीं लगाऊंगा मैं, सही है, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे आके air.technetcloud.co लगाऊंगा, सही है। तो अब ये आपने देखा कि एक डोमेन आपने बाय किया है, इस पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ सब डोमेन आप लगा सकते हैं, सही है। जैसे google.com एक ही डोमेन है, इनकी जो mail.google, maps.google, calendar.google, meet.google, ये सारा उसी के ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो आप, तो ये सारे उसके ऊपर लग सकते हैं। तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे सी नेम दे दिया, क्या बकवास है यार, एक मिनट, मुझे तो ए रिकॉर्ड चाहिए था ना, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, air.technetcloud.co ऐड। अबे ये क्या हो रहा है, खुद से क्यों हो जा रहा है ये, मुझे ए रिकॉर्ड चाहिए, ये मुझे क्या दे दे रहा है लागे। चलो वेल, जो भी दे रहा है इसको ऐड तो करें हम, जो भी दे रहा है इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेम में एयर और उसके आगे ये वैल्यू देनी, दैट्स इट, वो फिर देख लेगा खुद के उसने क्या करना है। न्यू रिकॉर्ड मैंने ऐड किया, मैंने कहा भाई सी नेम की जगह ये एयर, और वैल्यू के अंदर ये वैल्यू, और यहाँ पे TTL में लगा देता हूँ 600 सेकेंड्स, और दैट्स इट, ये प्रोपेगेट होगा, वेबसाइट मेरी लाइव हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रोपेगेशन को चेक करने के लिए मैं DNS चेकर में अगेन आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से जाके बोलता हूँ इसको कि भाई अब ये
ये एयर डॉट को ज़रा चेक करके बताओ कि ये सी नेम आ गया उसके ऊपर, कुछ जगहों पे प्रोपेगेट हो चुका है। अब वर्सल पे जैसे ही मैं जाऊँगा वर्सल खुद ही रिफ्रेश होगा और पता लगा लेगा कि हो गया, पता लग गया वर्सल को। सही है, जनरेटिंग SSL, जनरेट कर रहा है ये SSL। और इसको अगर मैं खोल के देखता हूँ, अभी तो नहीं हुआ, ये खुल गया, थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। ये SSL ज़रा जनरेट कर ले, फायरफॉक्स स्मार्ट ब्राउजर। वेल अच्छा, जब तक ये एयर वाला चल रहा है ना, मैं इस पर और भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पर कोई और सब डोमेन लगा देता हूँ, मैं पीके डॉट लगा देता हूँ या पाकिस्तान डॉट लगा देता हूँ। अब मैं जितने सब डोमेन लगाना चाहूँ ना इस ऐप पे मैं लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एयर डॉट मैंने इस पर लगाया हुआ है, मैं पाकिस्तान डॉट भी लगा दूंगा तो एयर खोलूँ या पाकिस्तान डॉट खोलूँ यही वाली ऐप खुलेगी, या मैं किसी तीसरी ऐप पे भी लगा सकता हूँ। तो आपके पास जितनी अगर 10,000 ऐप्स हैं ना आपके पास, तो 10,000 सब डोमेन आप लगाते चले जाएँ हर ऐप के ऊपर, वो सब पे काम करेगा, ठीक है। हाँ बस वो नाम अलग अलग रखना होगा सबका आपको, ठीक है। जैसे आपकी जो भी ऐप है, जैसे एजुकेशन डॉट लगा दिया आपने, आपने इंस्टीट्यूट डॉट लगा दिया, आपने जो है वो टू डू डॉट टेकनेट क्लाउड डॉट कॉम लगा दिया, सही है। तो जितना आप लगाते चले जाएंगे, एक ऐप पे एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं और अलग अलग ऐप पे भी लगा सकते हैं। तो आ जाओ अभी एक और ऐड कर लेते हैं इसका। मैंने कहा कि यार पीके डॉट टेकनेट क्लाउड डॉट सी ओ और ऐड, ठीक है। इसने अगेन मुझे एक रिकॉर्ड दे दिया और ये रिकॉर्ड मैं क्या करूँगा, जाके मैं वहाँ पर इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। सी नेम इसके रिकॉर्ड का टाइप है, नाम है इसका पीके, और इसकी वैल्यू जो है वो एक वैल्यू है। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा जी सी नेम मुझे चाहिए, और नेम के अंदर पीके लगाया मैंने, और वैल्यू के अंदर ये वैल्यू पेस्ट कर दी मैंने, और यहाँ पे मैंने कस्टम पे जाके इसको 600 सेकंड्स लगा के सेव का बटन दबा दिया, ठीक है। ये वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने अभी अभी ऐड किए हैं, राइट। ये वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने अभी अभी ऐड किए हैं। ये देखो एयर इस पे लग चुका है, पीके लग चुका है, WW लग चुका है, लेकिन इन तमाम के ऊपर क्या है, अलग अलग ऐप्स हैं कुछ पे, यानी WW पे एक अलग ऐप है, पीके और एयर पे सेम ऐप है। आ जाओ भाई, रिफ्रेश हो रहा है, ये पता लग गया इसको। DNS चेकर पे जाके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि एयर वाला जो है वो क्या हो गया है, कुछ जगहों पे हो चुका है। मैं पीके वाले को भी देख लेता हूँ कि पीके डॉट वाला जो है वो किस पे हो गया है अभी तक प्रोपेगेट। पीके डॉट वाला सब जगह हो गया है भाई, सही है। कुछ जल्दी हो जा रहा है, कुछ देर से हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो मैं पीके वाले को खोलता हूँ, पीके वाला भी नहीं खुल रहा, और पीके वाला नहीं खुल रहा, एयर वाला खुल रहा है, एयर वाला खुल गया, सही है, एयर वाला खुल गया। पीके वाला अभी तक नहीं खुला, पीके वाला भी थोड़ी देर में खुलने लग जाएगा। पीके वाला भी खुल गया, गुड यार, ज़बरदस्त, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया आज की क्लास में, एक डोमेन को लेकर उसको एक ऐप में डिप्लॉय कर लिया, WW और बगैर W वाले का चक्कर समझ लिया हमने, और सब डोमेन का जो मसला था वो भी हमने समझ लिया। अच्छा, सब डोमेन की भी कोई लिमिट नहीं है, जैसे सब डोमेन में ना, जैसे अभी है ना पीके डॉट लगाया मैंने, तो मैं एजुकेशन डॉट पीके डॉट भी लगा सकता हूँ, डॉट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा डॉट नहीं लगाते हम अपनी डोमेन के अंदर, अच्छी बात नहीं होती, वो डोमेन ज़रा हमारा लंबा होता चला जाता है, राइट। तो लेकिन उसमें मज़ीद डॉट भी लगा सकता हूँ मैं, इसके अंदर डॉट की कोई लिमिट नहीं है। तो और सब डोमेन की भी कोई लिमिट नहीं है, तो आप समझ लें कि आपके पास एक डोमेन अगर आ गया तो आप समझ लें आप लाखों करोड़ों की भी उसके ऊपर तादाद में ना सब डोमेन रजिस्टर मार सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज़ हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखो वेबसाइट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, असल में ये एक IP को पॉइंट कर रहा होता है, सही है। तो आपके वर्सल की मतलब जो ये वाला डोमेन है ना, ये वाले डोमेन का जो बिहेवियर था, आपके कस्टम डोमेन का भी बिहेवियर सेम रहेगा। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि जब तुम वर्सल पे कोई ऐप चेंज करते हो तो ये डोमेन चेंज होता है? नहीं होता। इसी डोमेन को खोलते हो तो अपडेटेड ऐप दिख जाती है। तो कस्टम डोमेन में भी इसी तरह होगा कि जब आप वर्सल के ऊपर कोई चेंजेस डिप्लॉय करोगे तो वो डिप्लॉयमेंट तमाम के तमाम URL पे, इंक्लूडिंग दिस और इंक्लूडिंग दिस, इन तमाम पे वो इवनली शो हो रही होगी।
पीके वाला नहीं खुला अभी तक मेरे पास। अच्छा नहीं, पीके वाला खुल गया था, वो नहीं खुला था, एयर वाला, एयर वाला भी खुल गया भाई, दोनों खुल गया। सही है, क्या मसला आ रहा है? हाँ वो तो राउटर का इशू है, वो रिएक्ट के राउटर का इशू है आपके पास। यहाँ पे स्लैश लगा के कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई हो ना आपने, और आप कह रहे हो ऐसे हिट मारता हूँ तो वो उसको उड़ा के वहाँ ले जाता है। हाँ तो वो डेटा बेस में सेव ही नहीं हुआ ना, इसका मतलब है जो फायरबेस मतलब एक्सपायर हो गया होगा। हो सकता है हो गया, मे बी फायरबेस तुम्हारा अपना ही लगा हुआ है ना इस पर, देख लेना वो एक्सपायर हो गया होगा। ये तो डेटा बेस में सेव सही तरह नहीं हो रहा ना, ये तो इशू ही कुछ और है। होस्ट लाजमी करो, नहीं नहीं वो असल में फायरबेस के रूल्स होते हैं ना। देखो बात ये है कि फायरबेस का डेटाबेस तो सारे बंदे पढ़ा देते हैं, लेकिन फायरबेस के रूल की कोई बात भी नहीं करता। तो फायरबेस के रूल्स जब तक आप नहीं लगाओगे ना, फायरबेस कभी भी सही काम नहीं करता, वो आप एक्चुअली पब्लिक डेटाबेस होता है। हाँ तो ये जो उसने बात बताई है ना, फायरबेस के रूल्स में जाके उसको इफ़ एक्सपायरी नल या उसको ट्रू कर दो, हार्ड कोडेड ट्रू कर दो, तो फिर वो सही चलता रहता है। ठीक है, अदरवाइज़ तो वो फायरबेस चल ही नहीं सकता ना बगैर रूल्स के, उसको तो फिर आपको मतलब रूल्स पूरे लिखने पड़ते हैं। फायरबेस जब भी तो प्रॉब्लम्स है ना फायरबेस के अंदर, लग तो जाता है फ्रंट एंड से डायरेक्ट, लेकिन उसको सिक्योर करना एक ज़िंदगी का अजाब है यार। मतलब उससे बेहतर है कि मैं पूरा MongoDB का कोड लिख लूँ, पूरा सर्वर लिख लूँ, वो आसान है मेरे लिए। लेकिन हाँ जैम स्टैक पर ही तो लगता है वो जैम। हाँ नहीं, MongoDB डायरेक्ट फ्रंट एंड से एक्सेस नहीं हो सकता। यस, अगर कोई उसके लिए रैपर लिख दे जैम स्टैक का तो वो बात अलग है। यानी फायरबेस की तर्ज का कोई रैपर लिख दे और पीछे बैकग्राउंड में, क्योंकि फायरबेस भी मुझे लगता है ना बैकग्राउंड में तो MongoDB को ही इस्तेमाल करते हैं। फायरबेस जस्ट एक रैपर है, ठीक है, वो बैकग्राउंड में अपना उनका एक है ना माल, क्या बोलते हैं उसको, ये वो पता नहीं MariaDB पता नहीं क्या है ना गूगल का जो अपना है, तो गूगल क्लाउड का ना एक स्कीमालेस डेटाबेस है, उसका कुछ नाम है मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है, यहाँ पे सर्च मारते हैं ना अभी। गूगल क्लाउड का ना एक नो सीक्वल डेटाबेस है, हाँ ये रहा ना गूगल बिग टेबल, गूगल बिग क्वेरी, एक और भी इनका एक है वो बड़ा मशहूर है, डेटा स्टोर, ये डेटा स्टोर है, फायर स्टोर है, डेटा स्टोर है, बिग टेबल है, ये सारे डेटा बेसेस हैं इनके जो बिहाइंड द सीन चलते हैं। अभी आप लिखोगे ना कि ये फायर स्टोर के बिहाइंड पे क्या चलता है, तो वो आ जाएगा कि वो कौन सा डेटा बेस है ना। क्लाउड फायर स्टोर कैशे द डेटा यूर हैव एक्टिवली, दिस इज दिस राइट नो वाई, नहीं नहीं ये गूगल इसके बिहाइंड पे जो डेटा स्टोर करता है ना, वो इनका एक अपना डेटाबेस है, वो उस पर ये कर रहा होता है स्टोर उसका। उसका इसी तरह का जेनेरिक सा कोई नाम है, गूगल क्लाउड स्टोरेज इस तरह कुछ नाम है उसका। जैसे फायरबेस का फायरबेस स्टोरेज है ना, तो फायरबेस स्टोरेज के बिहाइंड पे क्या चलता है, गूगल क्लाउड स्टोरेज चलता है। गूगल क्लाउड स्टोरेज उनकी बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, फायरबेस तो अभी भी बनाया उन्होंने, तो वो बिहाइंड द सीन वही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसमें भी इसी तरह है कि इसके बिहाइंड द सीन ना वो गूगल के एक नो सीक्वल प्रोडक्ट है, वही उसमें चल रहा होता है। यहाँ पर मैं बल्कि डायरेक्ट लिखता हूँ ना, गूगल क्लाउड स्टोर, ठीक है, गूगल क्लाउड स्टोर, गूगल क्लाउड स्टोरेज नहीं है, डेटा स्टोर, गूगल डेटा स्टोर, ये रहा क्लाउड डेटा स्टोर, ये है वो माल।
जो फायर बेस के डेटा बेसिस के बिहाइंड द सीन जो चल रहा है ना वो ये है, डेटा स्टोरेज हाईली स्केलेबल नो सीक्वल डेटा बेस फॉर योर वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ये आ गया ना। अच्छा कह रहे हैं कि फायर स्टोर इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेटा स्टोर, इन्होंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि फायर स्टोर जो है वो डेटा स्टोर का नेक्स्ट जनरेशन है, डेटा स्टोर इज हाईली स्केलेबल, और ये उसने बात लिख दी, सब लिख दिया। आगे चलो भाई, क्या लिखा इसने, फॉरस्टर नेम गूगल लीडर इन द फॉरस्टर वेव बिग डेटा नो सीक्वल 2019 गेट मोर कॉम्प्लीमेंट्री रिवॉर्ड दिस दिस दिस। अब इसके मैं गेटिंग स्टार्टेड में जब जाऊंगा ना तो जो ये जिस तरह से चलता है जो, तो इसमें मेरा पूरा मोंगो डीबी भी स्टोर हो सकता है। अच्छा अब मैं जाके गूगल पे लिखता हूँ कि हाउ टू होस्ट मोंगो डीबी ऑन गूगल क्लाउड, तो अब देखो ये लोग क्या बताते हैं, मोंगो डीबी गूगल क्लाउड पे भी होस्ट हो सकता है। अच्छा नहीं, मोंगो डीबी ने एक एटलस भी अपना बनाया हुआ है, मोंगो डीबी ने अपना एक एटलस भी बनाया हुआ है। असल में एटलस का सीन ये है कि एटलस में ना कुछ और भी चीज़ें आ गई हैं, शामिल हो गई हैं, जैसे एटलस में एक रियल एम है, उसके अंदर एक रियल टाइम के लिए ना एक रियल एम करके एक चीज़ है, और इस तरह उनके वो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल और उसका सारा ना एक वो ख़ास एक तरीके से होता है, तो शायद वो सारी चीज़ों का इन्होंने वो दे दिया है, सपोर्ट दे दिया अभी। अब नहीं, क्लाउड गूगल एटलस ये आ गया ना, गूगल क्लाउड एटलस नया वर्जन आया जो उसका। अच्छा अच्छा ये प्रूरर साइट पे इसने लिखा हुआ है डिप्लॉय मोंगो डीबी ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसको ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि लोग किस तरह बता रहे हैं। ये कब का आर्टिकल है, थोड़ा सा पुराना होगा ना तो वो शायद मोस्ट प्रॉब्ली वही वाली बात करेगा वो। इन लैब्स स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डिप्लॉय मोंगो डीबी सर्वर ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द दिस लैब और दिस कंप्यूट इंस्टेंस सेल्फ मैनेज मोंगो डीबी इंस्टेंस। ठीक है, सेल्फ मैनेज की बात हो रही है। एक्सेप्ट ऑल, ठीक है, ये इसने मोंगो डीबी किधर इंस्टॉल करवा दिया है, गूगल के क्लाउड कंसोल के ऊपर टर्मिनल खोला गया है, गूगल का जो टर्मिनल होता है वहाँ पे इसने मोंगो डीबी जो है ना और मोंगोश इंस्टॉल करवा दिया। अच्छा ये तो वीडियो फॉर्म में है पूरा का पूरा। व्हाट इज़ अ लैब, अच्छा ये जस्ट चैलेंज लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सॉल्यूशन मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो के अंदर है, पता नहीं क्या सीन है यार। वेल ओटीपी वो जो हमने देखा है ना, क्या नाम है उसका, उसके ज़रिए सेंड करेंगे। चलो भाई थैंक यू सो मच, तुमने अपना ये दिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में।